Welcome to my dear online student. This is another session for class 10th and 11th chemistry. You know that in the previous session we have started another important topic, that is effective nuclear charge. And in that effective nuclear charge we have reached up to screening effect. What is screening effect? It is simply the repulsion created by the inner electrons between nucleus and differentiating electron. What is differentiating electron? It is that electron about which we are talking. Suppose if this is nucleus and these are the various shells, K shell, L shell and M shell. There are electrons. Suppose I am talking about this electron. How much repulsion is created by these inner electrons on this electron in order to reduce the attractive force of nucleus on this electron? Is outermost shell के इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कम कर रहे कौन? इनर वाले इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है? रिपल्शन. और उसी रिपल्शन का वैल्यू, उसी रिपल्शन का मैग्नीट्यूड हम किसे कैलकुलेट करते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट से. क्योंकि एक पर्दा क्रिएट करता है, स्क्रीन क्रिएट करता है बिटवीन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन. दिस इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. वही मैंने बताया स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है. इट इज शील्डिंग इफेक्ट और रिपल्शन क्रिएटेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड डिफरेंशिएटेड इलेक्ट्रॉन. दिस इज अबाउट स्क्रीनिंग इफेक्ट. और इसमें मैंने आपको बताया था ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये जितना इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज़्यादा होगा उतना स्क्रीनिंग ज़्यादा होगा. और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को कम करने के लिए न्यूक्लियस के कुछ प्रोटॉन यूटिलाइज होते हैं. सपोज अगर इस न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन्स है तो अक्ल बता रही है, हमारी जो सोच बता रही है कि 10 प्रोटॉन्स का फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर होना चाहिए, मगर बीच के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन शो करते हैं. तो इस रिपल्सिव फोर्स को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियस को अपने कुछ प्रोटॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज, न्यूक्लियस को कुछ प्रोटॉन्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ता है. तो फिर जो उन प्रोटॉन्स को छोड़ के जो उसने यूटिलाइज किए ये रिपल्सिव फोर्स ओवरकम करने के लिए, जो बचा कुचा यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा प्रोटॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स, वही क्या कहलाता है? जेड इफेक्टिव. वही क्या कहलाता है? जेड इफेक्टिव. दैट मीन जेड इफेक्टिव इज द नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर ओवरकमिंग द रिपल्सिव फोर्स, आफ्टर ओवरकमिंग द स्क्रीनिंग. नाउ व्हाट इज जेड इफेक्टिव? इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर गिविंग द अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस. अट्रैक्टिव पावर, सपोज अभी तक हम बता रहे थे 10 प्रोटॉन्स का अट्रैक्टिव पावर है यहाँ पे, मगर क्योंकि कुछ प्रोटॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज हो गए तो जो प्रोटॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज हुए रिपल्शन क्रिएट करने ओवरकम करने के लिए वो कम हो जाएंगे यहाँ पे. तो सपोज मैंने बताया 2 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हुए तो यहाँ पे बचे फिर 8. तो 8 प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्टिव फोर्स इस डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पे होगा वही क्या कहलाया जाएगा? जेड इफेक्टिव. दैट मीन्स जो मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव इसके बराबर होता है शाबाश जेड माइनस सिग्मा. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज शाबाश स्लैटर्स कांस्टेंट एंड इट टेक्स इनटू अकाउंट स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्लैटर्स कांस्टेंट हमें क्या बताता है कि इस एटम में स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना है, शील्डिंग इफेक्ट कितना है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कितना है. तो जब हम यहाँ पे फिर देखते हैं, क्योंकि जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के क्या हो जाएंगे? यूटिलाइज यहाँ पे ओवरकम करने के लिए, रिपल्सिव फोर्स ओवरकम करने के लिए. तो फिर मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि सिग्मा एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मगर इन रियल फैशन इस सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर आया, उसने कुछ रूल्स दिए, उनको क्या बोलते हैं? स्लेटर्स रूल्स. तो वो जो रूल्स है वो हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल आपको इतना याद रखना है जेड इफेक्टिव किसके बराबर होता है? शाबाश जेड माइनस सिग्मा. व्हाट इज जेड? जेड इज एटॉमिक नंबर.
अब आपको देखना है क्योंकि एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। सब उसमें एस ऑर्बिटल भी होता है, उसमें पी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, उसमें डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं और इसमें एफ ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो ये चार तरह के ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, शाबाश, एक एटम में। अब सवाल है कि इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरूरी बात है हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी में लास्ट शेल पी ए होती है, किसी में लास्ट ऑर्बिटल सब शेल पी ए होता है, किसी में लास्ट सब शेल एस होता है, तो इलेक्ट्रॉन इनमें होते हैं। अब देखना है कि इन ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड किस में ज्यादा होता है, या हम बोलेंगे स्क्रीनिंग किस में ज्यादा होती है। जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जब देखा गया जो स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू है, जो शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ये एक न्यूक्लियस को चारों ओर घेर रहा है। ये इन ऑल द थ्री डायमेंशन इट सराउंड्स, इन ऑल द एक्सिस इट सराउंड्स ए न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई इट इज शील्डिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम, क्योंकि इस न्यूक्लियस को चारों ओर घेर लेता है और ऊपर से स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो ये शील्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल, एज कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल एंड एज कम्पेयर टू एफ ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग होती है वो लीस्ट होती है। लीस्ट शील्डिंग इज शोन बाय एफ ऑर्बिटल बिकॉज दे आर वेरी मच डिफ्यूजर, दे आर वेरी मच डिफ्यूजर, दैट इज वाई दे आर शोइंग लीस्ट स्क्रीनिंग, लीस्ट जिसको हम बोलते हैं शील्डिंग। और उसके बाद काम किन का होता है, शाबाश, डी ऑर्बिटल उसका, उसके बाद है मगर एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है। क्यों? इसका रीजन मैं यहां पे लिखूंगा कि जो एस ऑर्बिटल होता है सिनस, यहां पे हम लिखेंगे सिनस एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल हेंस इट क्रिएट्स मैक्सिमम स्क्रीनिंग और शील्डिंग एंड एफ ऑर्बिटल इज वेरी मच डिफ्यूज्ड इन नेचर, सो इट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इज वेरी वेरी मच पुअर। तो ये ऑर्डर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वो आपको याद रखना है, शील्डिंग इफेक्ट का शील्डिंग ऑर्डर, एस ज्यादा एज कम्पेयर टू पी, एज कम्पेयर टू डी, एज कम्पेयर टू एफ। अब अगर हमें देखना होगा कि वेरिएशन क्या है, सपोज जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, सपोज अगर हम जाएंगे अलोंग द पीरियड, अगर हम जाएंगे अलोंग द पीरियड, तो देखा गया है जब हम अलोंग द